हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो सोचना पहले मिला था हिस्ट्री का था, लेकिन टाइम टेबल चेंज हो गया किन्हीं कारण से, और आपको पहले सोचना नहीं दिया गया। ये थोड़ी सी गलती हो गई है। इस समय क्लास पॉलिटी का होगा, हिस्ट्री की जगह। और दूसरी चीज, इवनिंग के लिए मैं बता दूं, शाम को भी आप लोगों का क्लास पॉलिटी का ही होगा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जो टाइम टेबल चेंज हुआ, बट बिफोर आप लोगों को सोचना नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? तो टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। टॉपिक हम लोग चलते हैं, यस पॉलिटी। हितेश, क्या पॉलिटी में दिक्कत हो रहा है? क्या आप बोल रहे हैं फिर से पॉलिटी? कोई दिक्कत है हितेश? अगर दिक्कत है हितेश तो थोड़ा बोलिएगा। हितेश, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा फिर से पॉलिटी, क्या पॉलिटी नहीं पढ़ना चाहते हैं? बोलिए हितेश, कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग हितेश। तो इवनिंग भी मैं अभी बता दूं, इवनिंग भी पॉलिटी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। तो मीनाक्षी जी, हितेश जी और विकेश जी, जयप्रकाश जी, सुजीत जी, ज्ञानम मलिक जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग टॉपिक पढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 8 शेड्यूल तक, 8वीं अनुसूची तक। इस समय हम लोग डिस्कस करेंगे ये 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। तो इस समय हम लोग डिस्कस करेंगे 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। आइए देखा जाए 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था है। तो इस समय हम लोग डिस्कस करते हैं। जरा सा अमीर, अमीर तो बच्चों, इस समय हम लोग डिस्कस करते हैं ये 9th शेड्यूल। नौवीं अनुसूची सबसे पहले मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल की संख्या 8, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या हुआ करती थी 8, लेकिन उसके बाद में बढ़ते गए 8 के बाद 9, 10, 11, 12। तो जो व्यवस्था पहले से थी और उसके बाद 9 था, या 9 तो था नहीं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना यह है, यहां पर रीजनेबल होगा बात करना कि आखिर क्यों 9th लाया गया, ऐसी कौन सी परिस्थिति, क्या जरूरत पड़ी। परिस्थितियों पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, आपके कंट्री में बिहार गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट प्रिपेयर किया। हमारे भारत देश में बिहार राज्य की सरकार ने भूमि सुधार कानून तैयार किया, और बाय दिस लॉ, इस कानून के अंतर्गत बिहार की सरकार ने क्या किया, जब लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया तो अंडर दिस लॉ, इस कानून के अंतर्गत बिहार की सरकार ने बिहार के पब्लिक के ग्राउंड को एक्वायर्ड किया। बिहार की जो पब्लिक थी उनके जमीन को बिहार सरकार ने अधिग्रहित किया। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंडर, भूमि सुधार कानून के अंतर्गत बिहार की सरकार ने बिहार के जनता की जो भूमि थी उनको एक्वायर्ड किया, बिहार सरकार अधिग्रहित किया। आप लोग जानते होंगे, हमारी आपकी ग्राउंड को जब गवर्नमेंट एक्वायर्ड करती है, सरकार अधिग्रहित करती है, तो बदले में गवर्नमेंट उसके कुछ न कुछ मुआवजा अमाउंट प्रोवाइड करती है। तो कुछ न कुछ मुआवजा अमाउंट प्रोवाइड करती है बिहार की गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बिहार सरकार भी यही किया। यानी बिहार सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट जो तैयार किया, भूमि सुधार कानून तैयार किया, बस अंडर दिस बिहार के जनता के ग्राउंड को जब एक्वायर्ड अधिग्रहित किया, तो ग्राउंड के बदले गवर्नमेंट ने, बिहार की गवर्नमेंट ने वहां के पब्लिक को मुआवजा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मुआवजा धन राशि जो बिहार के लोगों को दिया जमीन के बदले, उसमें इक्वालिटी नहीं था।
यानी बिहार की सरकार ने जनता को जो मुआवजा दिया जमीन के बदले, उसमें समानता नहीं था, इक्वलिटी नहीं था, बड़ा भेदभाव पूर्वक इन्होंने बिहेव किया, निर्णय लिया। इसको लेकर के बिहार के लोगों ने, बिहार सरकार के इस डिसीजन का, इस लॉ का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। और लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, तो सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बिहार के ही रहने वाले एक व्यक्ति थे, नाम था कामेश्वर जी, कामेश्वर जी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। यह केस था कामेश्वर वर्सेज बिहार स्टेट, तो कामेश्वर बनाम बिहार राज केस इन्होंने चैलेंज किया। और कामेश्वर बनाम बिहार राज केस जब इन्होंने चैलेंज किया, तो इस केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का प्रोविजन है, भारत के संविधान में समानता की व्यवस्था दी गई, लेकिन लेकिन बिहार सरकार ने जो डिसीजन लिया है, बिहार की सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह बहुत ही भेदभाव पूर्वक है। यानी बिहार की सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया है, बिहार सरकार ने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को काफी डांट फटकार लगाया, नसीहत दिया उनको, यह कहते हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, समानता की बात की गई है, जबकि बिहार के जनता के मामले में आपने जो निर्णय लिया है, बहुत ही भेदभाव पूर्वक आपने निर्णय लिया, आपने संविधान का उल्लंघन किया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान को मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने काफी डांट फटकार बिहार सरकार को लगाया, नसीहत दिया। बट उस समय की बात है जो बिहार में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, और आपके कंट्री के, आपके देश के सभी राज्यों में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, और सेंटर में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, यानी ऑल ओवर इंडिया के पॉलिटिक्स में एक ही पॉलिटिक्स का वर्चस्व था, और वह पार्टी थी कांग्रेस। सभी राज्यों में, केंद्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस कारण से कांग्रेस को बड़ा प्राउड, बड़ा घमंड था। कांग्रेस ने इसका मीनिंग क्या समझा? कांग्रेस ने इसका मीनिंग समझा कि फ्यूचर में हम अगर कोई भी लॉ मेकिंग करते हैं, तो बार बार इस तरह के जुडिशरी का नसीहत होगा, तो फ्यूचर में कभी भी इस तरह से हम कानून, हमारी सरकार बनाएगी या हम बनाएंगे, तो बार बार जुडिशरी नसीहत देगा। यानी कांग्रेस के अंदर अगर सद्बुद्धि होती, घमंड की बात नहीं होती, तो कांग्रेस सीधे मन से ये सोचता कि जुडिशरी का काम है, गलत अगर हो रहा हो तो न्याय की बातें करना, और इस तरह से सच्चाई को मार्ग पर दिखाना, गलत को गलत कहना, पनिशमेंट देना, ये जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी ने ये जो काम किया है, ये कोई गलत नहीं किया। अगर सद्बुद्धि होती तो कांग्रेस ये सोचता, लेकिन कांग्रेस के अंदर निगेटिव बातें क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटिक्स कांग्रेस की चल रही थी, सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार, केंद्र में भी, इसलिए उनको प्राउड और उनको घमंड था। अब देखिए क्या हुआ, ये घमंड का प्रदर्शन इन्होंने कैसे किया, उस सच्चाई को समझिए। कांग्रेस की सरकार ने एक अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया, और कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट किया था, ये अमेंडमेंट था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, तो कांग्रेस की सरकार ने अमेंडमेंट किया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कांग्रेस की सरकार ने किया था इन 1951, यानी 1951 में कांग्रेस की सरकार ने यह संशोधन किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और बाय दिस अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकार ने एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन किया, 9 शेड्यूल। बहुत केयरफुल होके इसको सुनिएगा, कहीं डाउट हो आप क्वेश्चन कर लें। तो बाय दिस अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकार ने जो अमेंडमेंट किया ये 1951 में, इसके थ्रू एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन किया, और एक नए अनुसूची को इन्होंने जन्म दिया। अंडर दिस इन्होंने क्या व्यवस्था दिया? अंडर दिस इन्होंने व्यवस्था दिया, कांग्रेस की सरकार ने इसमें व्यवस्था दिया, एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन यानी अधिनियम और विनियम। अधिनियम और विनियम,
इसमें इन्होंने व्यवस्था दिया। कांग्रेस की सरकार ने 9 शेड्यूल में जो व्यवस्था दिया इसमें अधिनियम और विनियम एक्ट्स एंड रेगुलेशन व्यवस्था किया दिया। जो भी इसमें एक्ट्स होंगे, जो भी लॉ होंगे, जो अधिनियम होंगे, वह जुडिशरी के रिव्यू से बियॉन्ड होंगे। जो भी लॉ होंगे न्यायपालिका के समीक्षा से दूर होंगे। इन्होंने इसमें व्यवस्था दिया कि न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती, न्यायपालिका के रिव्यू समीक्षा से दूर होगा। यह व्यवस्था दे दिया। अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट कोई भी हम पब्लिक से संबंधित लॉ मेकिंग करती है, अगर वह लॉ गड़बड़ भी है, पब्लिक ओरिएंटेड नहीं, लेकिन अगर 9 शेड्यूल में है तो उसके अगेंस्ट हमको आपको उस लॉ के अगेंस्ट जुडिशरी में जाने का अधिकार नहीं होगा। जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, यानी वह लॉ सुरक्षित होगा, यानी गवर्नमेंट उस लॉ के द्वारा अत्याचार करना चाहती है करती रहेगी, बट जुडिशरी उस लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे लॉ, ऐसे कानून जो मनमाना कुछ भी करना चाहती है गवर्नमेंट, अगर उस लॉ को 9 शेड्यूल में रख दिया तो लॉ सुरक्षित होंगे बिल्कुल, जुडिशरी उस कानून से संबंधित कुछ नहीं कर सकती। ये इन्होंने व्यवस्था दिया। अब क्या हुआ, इंडिया आप जानते होंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, फिर आखिर इंडियंस क्यों माने। शंकरी प्रसाद नाम का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और चैलेंज जो किया, ये केस था शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया यूनियन। शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया यूनियन केस में, शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया, ये फिर इनको नसीहत दिया इनको इस प्रकार से व्यवस्था देने का। अर्थात ये 1951 में जो बिहार की सरकार ने, बिहार के गवर्नमेंट, बिहार की सरकार ने पब्लिक के अगेंस्ट ये व्यवस्था दिया, पब्लिक को काफी नाराजगी हुई। जयप्रकाश जी ने कहा है कि सर कब की बात है ये सब, मैंने जयप्रकाश जी लिखा है बोर्ड पर 1951 की बात, और इतनी जल्दी जयप्रकाश जी मत घबराए कीजिए, जो बात शुरू हुआ दो चार मिनट बात आगे बढ़ेगी तभी तो सामने आएगी, तो थोड़ा सा दो चार मिनट तो हमको टाइम दीजिए, तो वो जो प्रसंग होगा, जो थीम होगा, दो चार मिनट बोलेंगे तभी आएगा। और मैंने शुरू नहीं किया, आप तुरंत घबरा गए, कब आया कब आया, ये सारी बातें सामने आ गई। यानी ये घटना, ये वाक्य 1951 किया बोर्ड पर मैंने लिखा है जयप्रकाश जी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आइए, तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बिहार सरकार जो दिया, इसको लेकर के बहुत डिस्प्यूट हुआ। और इस प्रकार से शंकरी प्रसाद के केस के बाद जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको नसीहत दिया, तो कांग्रेस की सरकार फिर नाराजगी दिखाई, और कांग्रेस सरकार ने क्या किया, फिर अमेंडमेंट किया, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट। जब फोर्थ अमेंडमेंट किया तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच गया मुदलियार वर्सेज मद्रास स्टेट, और मुदलियार वर्सेज मद्रास स्टेट जो केस गया, इस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जन्म नसीहत दिया नाराज होकर के। आप लोग कहावत सुने होंगे, खेसियानी बिल्ली खम्मा न छोड़े, तो इस तरह से कांग्रेस को प्राउड था, और यह प्राउड घमंड होने का कारण एक ही था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही पॉलिटिक्स, एक ही पार्टी की पॉलिटिक्स राजनीति थी, तो इस कारण से उनको घमंड था, और कोई पार्टी था ही नहीं, केंद्र राज दोनों जगह, इसी कारण से इनको बहुत प्राउड था। और इसी के बाद फिर क्या हुआ, इसी के बाद फिर केस गया जो मुदलियार वर्सेज मद्रास स्टेट, और डिसीजन आया तो इन्होंने फिर अमेंडमेंट किया 17 अमेंडमेंट एक्ट। 17 अमेंडमेंट जब इन्होंने किया तो फिर लोगों को नाराजगी, फिर केस चला गया, और ये केस गया राजस्थान से, सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान स्टेट। और इसके बाद अभी कोई चेंजिंग इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया, तब तक एक और केस चला गया पंजाब से, गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट। ये लगातार केस गए, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बड़े महत्वपूर्ण थे। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ये सारे केसेस के डिसीजन और ये आगे बढ़कर के मैं बातें करूंगा कि केशव भारती के केस में क्या, गोलकनाथ के केस में डिसीजन क्या, मिनर्वा मिल्स में क्या, लेकिन ये बातें मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त करूंगा, आज जरूरत नहीं है। आज मुझे ये प्रूफ करना आवश्यक था आपके लिए कि 9 शेड्यूल का क्रिएशन कब हुआ, ठीक है, ये मैंने प्रूफ किया। और 9 शेड्यूल किन परिस्थिति में गवर्नमेंट लाई, क्यों लाई,
ये नाइन शेड्यूल लाने का उद्देश्य क्या था, ये सभी कुछ मैंने प्रूफ किया, और किस तरह के मैटर नाइन शेड्यूल में रखे ये भी मैंने प्रूफ किया। तो आज शेड्यूल से संबंधित जो नॉलेज आपको देना था, क्यों नाइन शेड्यूल की क्रिएशन हुई, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे तो 9वीं अनुसूची लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या व्यवस्था इसमें दिए, और क्या मेंटलिटी गवर्नमेंट की थी, ये सारी बातें मैंने क्लियर किया, ये बताना जरूरी था। बाकी जो केसेस हैं बहुत सारी, ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, उनके महत्व को बताऊंगा। तो इस प्रकार से अब आपको मैं बताना चाहूंगा एक बात और, यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं। देखिए, ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट, अब जानते ही होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन देता है, कोई भी निर्णय वह ला कानून माना जाता है, क्योंकि टॉप कोर्ट है ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो इसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया था, और इसने डिसीजन दिया 2007 का इनका डिसीजन समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के आफ्टर, 24 अप्रैल 1973 के आफ्टर जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन अंडर दिस शेड्यूल इंक्लूडेड हुए, यानी नौवीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स रेगुलेशन, जो भी अधिनियम कानून इसमें शामिल किए गए, उनका रिव्यू जुडिशरी कर सकती है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून अधिनियम नौवीं अनुसूची में सरकार ने रखा, उनकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है, इसके पहले वाले की नहीं। यह व्यवस्था संविधान में दिया गया बाय दिस अमेंडमेंट। तो इस तरह से आपसे कमीशन ये पूछेगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में नहीं पूछेगा, ये तो गारंटी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो सीडीएस में, पीसीएस में, आईएएस में, और सीडीएस एक बार पूछ भी चुका है। तो ऐसे एग्जामिनेशन पीसीएस वगैरह में, सीएपीएफ, यूपीएससी, सिविल सर्विस, आईएएस में पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि नाइन्थ शेड्यूल में जो एक्ट रेगुलेशन है, जो कानून अधिनियम है, उनमें कौन से कानून है जिनको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। तो ऑप्शन में देगा ईयर, इस डेट के बाद, तो आपका सही जवाब होगा 24 अप्रैल 1973 के बाद का लॉ कानून, यह सही जवाब होगा। ठीक है, सेंटेंस देकर जो पूछता है आईएएस में या सीएपीएफ में या पीसीएस में, तो सेंटेंस देगा कि नाइन शेड्यूल के जो मैटर हैं उनका कभी भी समीक्षा संभव नहीं, नाइन शेड्यूल के मैटर के सभी एक्ट की समीक्षा आज के डेट में संभव है। सेंटेंस दिया कि नाइन शेड्यूल के मैटर के 24 अप्रैल 1973 के बाद के ही कानून समीक्षा संभव। इस तरह से सेंटेंस, माना कि 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस दिया, और सेट देगा एबीसीडी, कौन सा सेट सही है। तो आप समझ सकते होंगे इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आईएएस में जो पूछा या सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस में पूछा, जो कॉम्प्लिकेसी बनाने का प्रयास किया सेट देकर, आपके लिए बिल्कुल इजी आसान हो गया। क्यों? सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इन्हीं में से तो घुमाएंगे। माना कि किसी सेंटेंस में हुआ कि नाइन शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये किसी सेंटेंस में दिया नाइन शेड्यूल का गठन क्रिएशन 1951 में हुआ, पूरे कॉन्सेप्ट जैसे भी सेंटेंस देंगे, अब उसमें से सेट तैयार करना है क्या सही है। तो सही भी समझ रहे हैं, इसके अलावा जो बातें हैं रंग गलत, अब आप सेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है नाइन शेड्यूल से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी बातें, मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो नाइन शेड्यूल से रिलेटेड, तो आप बोल सकते हैं, अगर मैं चर्चा करूंगा दोबारा चर्चा कर दूंगा। मेरे ख्याल से जयप्रकाश जी समझ गए होंगे, विकास जी एंड अरुण जी और साथ साथ अविरल जी, सभी लोग समझ गए। मैन जी गुड मॉर्निंग आप सभी को, गौरव जी गुड मॉर्निंग, और कुशवंत जी आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ नाइन शेड्यूल से रिलेटेड। आप एसएससी का क्वेश्चन हो, एसएससी में पूछा जाएगा कि नाइन शेड्यूल का क्रिएशन गठन कब हुआ, आपके पास जवाब है 1951। नाइन शेड्यूल
का गठन क्रिएशन व्यवस्था किस संशोधन से किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट पहला संशोधन, ऐसे क्वेश्चन होगा। और सीपीओ में पूछा गया ये क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया कि नाइन्थ शेड्यूल में इनमें से कौन सा विषय है। सही ऑप्शन था एक्ट एंड रेगुलेशन, अधिनियम और विनियम। तो हर लेवल के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आप कर लेंगे। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे 10th शेड्यूल दसवीं अनुसूची। आइए देखा जाए 10th शेड्यूल में क्या व्यवस्था है। तो यह होगा 10th शेड्यूल दसवीं अनुसूची। तो हम लोग अब बातें करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल, और नेक्स्ट शेड्यूल है 10th शेड्यूल दसवीं अनुसूची। देखिए 10th शेड्यूल दसवीं अनुसूची की जो व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था इस प्रकार से है। इनके बारे में बात कर ले हम लोग। देखिए गौरव जी को चिंता हो रहा है कि सर प्लीज यो वीडियो मिक्स ना हो पाए। गौरव जी टेंशन न कीजिए, आप लोगों की सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास होगा, कोई आपको सुविधा नहीं होगा। और मिक्स ऐसे नहीं किया जाएगा, सेपरेट रहेगा, कोई आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मिक्स होगा ही नहीं। अंकित जी का भी जरा देख लें, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है अंकित जी, मैं एक बार और कर दे रहा हूं। दीपिका जी का भी शायद इसी तरह से है कि एक बार रिफ्रेश कर ले, समझ लीजिए, आप सभी लोग एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 9th शेड्यूल में आप सीधे से कहिए कि 9th शेड्यूल में जो व्यवस्था हुआ, क्यों नई अनुसूची लाने की जरूरत पड़ी। आपका इंटरव्यू बोर्ड भी पूछता है इस पर, SSB में भी क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट टायर में तो कई बार पूछा गया है। तो आप बताइए कि बिहार की सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट तैयार किया, बिहार राज्य की सरकार ने भूमि सुधार कानून तैयार किया, और कब किया, 1951 में। जब भूमि सुधार कानून ये तैयार किया था तो उस समय बिहार के पब्लिक के ग्राउंड को, बिहार की जो जनता थी उनके जमीन को बिहार की सरकार ने अधिग्रहित किया, एक्वायर्ड किया। और बिहार की पब्लिक के ग्राउंड को जब बिहार की सरकार ने एक्वायर्ड अधिग्रहित किया तो बिहार के पब्लिक को बदले में, उस ग्राउंड के बदले में मुआवजा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मुआवजा अमाउंट जब बिहार के जनता को बिहार की सरकार ने बांटा, वितरण किया, तो बिहार के पब्लिक को इससे संतुष्टि सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं, क्योंकि बिहार की पब्लिक बिहार के गवर्नमेंट के इस निर्णय को समझ गई, यानी इन्होंने मुआवजा अमाउंट बहुत ही भेदभावपूर्वक डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी अच्छा इनका निर्णय नहीं था, जनता के पब्लिक के इंटरेस्ट में, जनता के हित में नहीं था। तो क्यों ऐसा पब्लिक ने विरोध किया, क्योंकि हमारे संविधान में इक्वालिटी समानता की बात की गई, जबकि सरकार पब्लिक के मामले में बहुत भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया। तो ऐसे मामले में पब्लिक ने विरोध किया, और सिर्फ विरोध नहीं, मैंने अभी बताया कि ये कामेश्वर जी नाम के बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया, और यह केस था कामेश्वर बनाम बिहार राज्य, कामेश्वर वर्सेज बिहार स्टेट। अब देखिए जब यह केस गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को काफी डांट फटकार लगाया, नसीहत दिया। क्यों, आप सभी जानते होंगे जुडिशरी का काम ही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं है, गलत है, तो जुडिशरी इस सच्चाई को दिखाती है और नसीहत भी देगी, गलत क्या है, सही क्या है। तो यही जुडिशरी ने डांट फटकार लगाया कांग्रेस सरकार, बिहार सरकार को। और इस प्रकार से जब डांट फटकार लगा तो कांग्रेस को उस समय बड़ा प्राउड था, घमंड था। घमंड होने का कारण यह कि भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार नहीं थी, और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी। तो इस बात का उन्हें प्राउड था कि हमारे सामने इंडिया के पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, इसी बात का घमंड था। और इस बात से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट करके 1951 में ही तुरंत अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक नई शेड्यूल का क्रिएशन किया, नौवीं अनुसूची का गठन कर दिया, और इसमें व्यवस्था दिया एक्ट एंड रेगुलेशन, अधिनियम और विनियम। क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी शेड्यूल
नौवीं अनुसूची में जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो भी कानून नौवीं अनुसूची में होंगे, उनकी न्यायपालिका समीक्षा नहीं कर सकती, जुडिशरी उनका रिव्यू नहीं कर सकती। आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, इस बात की सच्चाई को समझ गए होंगे। यानी हम आपको न्याय पाने का जो उम्मीद, भरोसा हम भारत के लोग रखते हैं, ये भरोसा किससे है? न्यायपालिका से। और कोई भी सरकार किसी पार्टी को अगर हमको आपको न्याय पाने से रोक दे कि आप पब्लिक को न्याय नहीं मिलेगा, आप लोग जरा बताइएगा इससे बड़ा घमंड क्या होगा? यह घमंड किसने दिखाया? कांग्रेस। न्यायपालिका पर रोक कि कोई समीक्षा नहीं, इस तरह से लगाने का, पब्लिक को न्याय न मिले इस तरह की। बट आप सभी लोग जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और एक लोकतांत्रिक देश में भारत के लोगों को, भारतीय नागरिकों को न्याय पाने से रोका जाए, इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा घमंड, अहंकार हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में एक एक नागरिकों को, सबको न्याय पाने का हक है, और ये उम्मीद हम लोग न्यायपालिका से, जुडिशरी से ही करते हैं। और इस तरह से रोक लगाया जाए, हम लोग को न्याय पाने से रोक लगाया जाए, तो सोच लीजिए इससे बड़ा अत्याचार, घमंड, अहंकार हो ही नहीं सकता। इसलिए पब्लिक में नाराजगी हुई और पब्लिक यानी शंकरी प्रसाद नाम का एक भारतीय नागरिक कोर्ट पहुंचकर चैलेंज कर दिया, विवाद बढ़ गई और फिर नसीहत दिया कोर्ट ने। तो ये लंबी कहानी मैंने बताया, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार जब पढ़ाऊंगा तो उससे संबंधित डिटेल बातें करूंगा। बट यहां तो आप समझ ही गए कि क्यों सरकार ने नवीं अनुसूची की व्यवस्था दिया और कब इसकी व्यवस्था दिया, किस संशोधन से दिया। मैं लिखा फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951 से और 9 शेड्यूल में व्यवस्था दिया, अधिनियम, विनियम, एक्ट एंड रेगुलेशन। और मैंने यह भी बताया कि आज के डेट में जो व्यवस्था है उसको सुना दूं, 2007 में आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सरकार जितने भी एक्ट्स इसमें डाले हैं, एडिट किए हैं, उनकी समीक्षा जुडिशरी कर सकती है, उसके पहले वाले का नहीं। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा, जैसा कि यूपीएससी सीडीएस में पूछा है, पीसीएस आईएएस में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो मैंने सेंटेंस देकर कहा है सेट बनाकर सत्य सत्य, जो आईएएस पूछता है पीसीएस सीएपीएफ वो भी कर सकते हैं, फैक्चुअल जो एसएससी में सीपीओ में पूछता है, असिस्टेंट गेट एग्जाम में वो भी कर सकते हैं। तो फैक्चुअल पूछा जाएगा किस अमेंडमेंट से इसका व्यवस्था किया गया, हो गया कब यह अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और 9 शेड्यूल में व्यवस्था क्या है, हो गया जवाब, एक्ट एंड रेगुलेशन, अधिनियम, विनियम। तो फैक्चुअल पूछे या कॉन्सेप्चुअल, मैंने डिटेल क्लियर किया और मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होगा, सभी समझ गए होंगे। एक लोगों का विचार मैं देखता हूं, गौरव जी का, इन्होंने विचार दिया है कि सर इतना रिपीट मत किया कीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, जिसको समझ में नहीं आवे वो बाद में कितनी भी बार वीडियो देख सकता है। वेरी गुड गौरव जी, आपके विचार का मैं समर्थन करूंगा। रियली जब आपके पास वीडियो है तो नहीं समझ में आता है तो सही बात है, उस वीडियो को बार बार आप देख लीजिए, बहुत सही, इससे क्या होगा, समय बचेगा, हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो गौरव जी आपके इस विचार का, बहुत ही इंटेलेक्चुअल आपने विचार दिया, बौद्धिक है आपका विचार, और मैं नहीं आप सभी स्टूडेंट को ये सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में तो हमारे आवाज बार बार देखने के चांस है, तो वीडियो को रिपीटेड बार बार आप देख लीजिए, हो जाएगा, इससे टाइम बचेगा तो हम लोग आगे चलेंगे। सही बात कहा आपने गौरव जी, सम्मान किया जाना चाहिए आप सभी स्टूडेंट और मेरे द्वारा भी। आइए देखते हैं, तो हम लोगों ने अब बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल 10th शेड्यूल, दसवीं अनुसूची। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 10th शेड्यूल दसवीं अनुसूची क्यों आया, सरकार क्यों लाई। देखिए सबसे पहले तो यह व्यवस्था लाने का वजह हम लोग विचार करें, ताकि पीटी हो या इंटरव्यू कहीं भी, कॉन्सेप्चुअल जब क्लियर होंगे तो अच्छे से जवाब दे सकेंगे। देखिए आपकी कंट्री, इंडिया कंट्री की पॉलिटिक्स में, भारत देश की राजनीति में डिफेक्शन, दल बदल बहुत ज्यादा चल रहा था, यानी हमारे देश भारत में डिफेक्शन, दल बदल बहुत चल रहा था। यह डिफेक्शन, आप हिंदी में कहेंगे दल बदल, तो दल बदल हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चल रहा था। तो इंडिया के पॉलिटिक्स में डिफेक्शन, दल बदल जो बहुत ज्यादा चल रहा था, डिफेक्शन आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए
कोई एक पार्टी है और एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई इलेक्टेड होकर एमएलए हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय एक वर्ष दो वर्ष अपने पार्टी में एमएलए रहा, डेढ़ वर्ष दो वर्ष के बाद पार्टी छोड़ दिया और पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला गया। इसी को बोलते हैं डिफेक्शन, दल बदल। आपके इंडिया के पॉलिटिक्स में डिफेक्शन, दल बदल भयंकर स्थिति में आ गई थी, बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, सारे पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो ने डिसाइड किया कि इस पर बातें करनी चाहिए। सभी पार्टी के सुप्रीमो मिलकर इंडिया के कैपिटल दिल्ली में इस पर सीटिंग किए और इस मुद्दे पर डिस्कस किए। फिर सभी पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इंडिया में जो डिफेक्शन है, दल बदल, एक कैंसर टाइप का डिजीज बन गया। तो इनसे अब इंडिया में डिफेक्शन, दल बदल, कैंसर टाइप का डिजीज बन गया। ये एक पार्टी नहीं, सभी पार्टी के सुप्रीमो की इस पर सहमति बनी कि भारत के राजनीति में दल बदल एक कैंसर टाइप की जो बीमारी होती है, उसी तरह से पॉलिटिक्स में एक कैंसर टाइप की बीमारी आ गई। सभी पार्टी ने सोचा इसको रिमूव कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, भारत के राजनीति से अलग करो इसको। इसी थिंकिंग के साथ गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया और गवर्नमेंट ने इसी थिंकिंग के साथ अमेंडमेंट किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट। यह अमेंडमेंट किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट और यह अमेंडमेंट जो किया 52nd अमेंडमेंट एक्ट, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने किया इन 1985। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो आपने अविरल ने लिखा है 51 अमेंडमेंट 1985, अविरल आपने गलत लिखा है, ईयर आपका सही है 1985, लेकिन अमेंडमेंट संख्या आपने गलत लिखा है। अविरल, अमेंडमेंट संख्या होगा 52nd, ये मैंने लिखा है 52वां संशोधन अधिनियम 52nd, नॉट 51। आइए देखा जाए, तो इस अमेंडमेंट को करके, इस अमेंडमेंट को करके और केंद्र की सरकार, भारत की सरकार ने एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन किया और यह शेड्यूल क्रिएशन इन्होंने किया 10 शेड्यूल, और 10 शेड्यूल में इन्होंने व्यवस्था क्या दिया, अब उसको समझते हैं। तो 10 शेड्यूल में इस अमेंडमेंट को करके इन्होंने व्यवस्था दिया, इसमें दल बदल को रोकने की व्यवस्था, यानी फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया गवर्नमेंट ने कब तैयार किया, भारत में पहली बार दल बदल को रोकने का कानून भारत सरकार ने कब किया, तो आपका जवाब 1985। किस संशोधन के द्वारा दल बदल रोकने का कानून लाया गया, आपके पास जवाब है 52nd। दल बदल से संबंधित लॉ कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल रोकने के कानून किस शेड्यूल में है, आपका जवाब 10 शेड्यूल। तो इस प्रकार से ये संसद और विधानमंडलों के सदस्यों के दल बदल जो करते हैं उनके रोकने की कानून की व्यवस्था आपसे पूछा गया किसमें है, आपका जवाब होगा यही 10 शेड्यूल। एक बात मैं और कर दूं, देखिए हमारे यहां इसमें जो व्यवस्था किया गया 52nd अमेंडमेंट से, इसमें व्यवस्था ये दिया गया था, इसमें व्यवस्था था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से टोटल इलेक्टेड का 1/3 मेंबर अगर पार्टी छोड़कर और दूसरे पार्टी में मर्ज करते हैं तो उनकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। यह व्यवस्था था एक्सेप्शनल। इसमें यह भी व्यवस्था था, इस अमेंडमेंट में भी व्यवस्था था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के टोटल इलेक्टेड मेंबर का 2/3 या मोर देन दिस पार्टी छोड़कर और स्वयं पार्टी बना लेते हैं तो इनकी भी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। अब इन कारणों से किसी भी पार्टी से कुछ मेंबर अनसेटिस्फाई हुए तो समझ गए हमारी संख्या कम है, अगर पार्टी छोड़ेंगे तो मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी, इसलिए इन्होंने इतनी संख्या मेंटेन की है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए 8 हैं, 8 एमएलए हैं, एक एमएलए अगर अनसेटिस्फाई हुआ तो समझ गया कि अगर हम पार्टी छोड़ते हैं कांग्रेस तो मेंबरशिप समाप्त होगी। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि 1/3 संख्या बनाओ, तो दो और से बात किया। किस तरह से बात किया, निश्चित रूप से लालच दिखाएगा कि आ जाइए आप दोनों लोग, योगी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से बात हो गया है और मंत्री बना देंगे। उसी लालच में दो और आ गए,
तीन हो गए। अब बताइए आठ में से तीन कितने हो गए, वन थर्ड से ज्यादा हो गए। अब तीन निकलेंगे तो अंडर दिस लॉ माना जाएगा उनकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी, और अगर दो बटे तीन निकल गए स्वयं पार्टी बना लिए तो भी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा है, हम सपोज ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं और कोई स्टूडेंट बाद में आया और वो छाता लिया है बट भीगा है, तो आप लोग निश्चित क्वेश्चन करेंगे कि फ्रेंड छाता लिए हो फिर भीगे कैसे। तो उस फ्रेंड ने आपको बताया, एग्जाम्पल समझिएगा, फ्रेंड ने बताया कि छाता तो लिया हूं बट इस छाता में कुछ जगह होल है जिसके कारण पूरी तरह से छाता प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, संरक्षण नहीं दे पाया और कुछ जगह हमारे कपड़े भीगे। तो आपसे कमीशन क्वेश्चन अगर करता है कि जब एंटी डिफेक्शन ला है फिर भी क्यों लगातार डिफेक्शन होता आया, तो आप बताइए कि अंडर दिस लॉ एक्सेप्शनल कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसे अवसर हैं डिफेक्शन के जिसके कारण से डिफेक्शन होते हैं, और क्या कारण है ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद डिफेक्शन में कुछ चेंजिंग किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था 91st अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट इन्होंने किया था 2003 में। बाय दिस अमेंडमेंट अटल जी की सरकार ने क्या व्यवस्था दिया कि वन थर्ड जो व्यवस्था था उसको हटा दिया, टू थर्ड को रहने दिया। तो आज भी डिफेक्शन के चांसेस हैं लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए टू थर्ड, तभी। तो वन थर्ड को हटाने का अटल जी का उद्देश्य यही था कि बहुत छोटा स्ट्रेंथ है इसलिए आसानी से इतना इकट्ठा हो जाते हैं, डिफेक्शन होता है। तो इसको हटा देने से या तो डिफेक्शन नहीं होगा या होगा तो रेयर होगा, बहुत कम होगा। टू थर्ड को इनकी सरकार ने क्यों नहीं हटाया, उन्होंने समझा कि किसी भी पार्टी से अगर दो तिहाई टू थर्ड मेंबर निकलते हैं तो माना जाएगा जरूर पार्टी में कोई गड़बड़ी है, उनके सिद्धांतों में कुछ कमियां, और टू थर्ड को महत्व देने का मतलब डेमोक्रेसी लोकतंत्र को महत्व देना। किसी भी पार्टी में इतने अनसेटिस्फाई हैं तो निश्चित रूप से एक वहां पर अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व देते हुए इतने बड़े स्ट्रेंथ को रोका नहीं गया। अब समझ गए होंगे कारण। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट ये डिफेक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ, आपके पास जवाब है, और क्या व्यवस्था है, जवाब है एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल रोकने के कानून की व्यवस्था किस शेड्यूल में है, इस सारे क्वेश्चन का जवाब है। और इसी के बाद अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल, और नेक्स्ट शेड्यूल होगा 11th शेड्यूल, यानी ये होगा 11वीं अनुसूची। आइए देखते हैं। तो 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची क्यों आया, सरकार ने इसकी व्यवस्था क्यों किया, अब हम लोग इस पर विचार करें। दरअसल एक बात देखा जाए, एक बार देखा जा, अच्छा गौरव जी कुछ कर रहे हैं सर, फिर एक एक मेंबर करके कैसे छोड़ देते हैं, जैसे अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने। अच्छा समझे गौरव, आप ये ध्यान दीजिए, डिफेक्शन का मतलब यह है कि मेंबरशिप जो छोड़ेगा, पार्टी छोड़ेगा, उसका मेंबरशिप समाप्त होगा। तो गौरव जो आप सोच रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ दिए, तो जाहिर सी बात है डिफेक्शन का मतलब यही है कि जो पार्टी छोड़ेगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लोकसभा का मेंबर है तो नहीं रहेगा, राज्यसभा का नहीं। आप शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी छोड़े हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा की उनकी सदस्यता खत्म। अब समझ गए होंगे गौरव, यही है डिफेक्शन का रिजल्ट, यानी आप किसी भी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के मेंबर हैं, एमएलए हैं, राज्यसभा मेंबर, जो भी हाउस के मेंबर है, अगर पार्टी छोड़ते हैं तो डिफेक्शन दल बदल का परिणाम रिजल्ट क्या रहेगा, आपकी मेंबरशिप समाप्त हो गई। तो पार्टी अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ दिया और बीजेपी कमल चुनाव चिन्ह पर ही लोकसभा के मेंबर थे, जब बीजेपी छोड़ दिए तो लोकसभा का उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। और आप जानते होंगे चुनाव वैसे ही चल रहा है, तो वैसे ही अब सदस्यता का मतलब नहीं रहा, 5 years टर्म कंप्लीट हो गया तो मेंबरशिप वैसे ही चला जाएगा, और अब चुन के आएंगे तो मेंबर होंगे। क्लियर? तो जो भी डिफेक्शन के शिकार होते हैं, पार्टी जो छोड़ेंगे उनकी मेंबरशिप सदस्यता समाप्त होगी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से गौरव हमारी बात को समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट बातें करते हैं 11th शेड्यूल। तो आइए देखा जाए 11th शेड्यूल की जो व्यवस्था दी गई है, ये 11th शेड्यूल क्यों आया, हमारे कंट्री में लोकल बॉडीज काम कर रहे थे,
स्थानीय निकाय या स्थानीय शासन हमारे यहां चल रहा था, लोकल बॉडीज, नगर पालिका, पंचायत एटसेट्रा विभिन्न क्षेत्रों में। बट आपके कंट्री में गवर्नमेंट हुआ करती थी राजीव गांधी जी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया कि हमारे कंट्री में लोकल बॉडीज स्थानीय स्वशासन निकाय काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का प्रमोशन डेवलपमेंट जो होना चाहिए हमारी कंट्री में वो नहीं हो पा रहा है। तो राजीव गांधी की सरकार ने माना कि लोकल बॉडीज के काम करने के तरीके में या लोकल बॉडीज में कुछ कमियां हैं। इसी थिंकिंग के साथ राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, इन्होंने इमीडिएट कैबिनेट का सिटिंग किया और इन्होंने माना कि लोकल बॉडीज में कमियां क्या है। नंबर फर्स्ट इनकी सरकार ने माना कि लोकल बॉडीज को क्या काम करने हैं ये डिसाइड ही नहीं है, नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट माना कि लोकल बॉडीज को रिस्पांसिबल नहीं बनाया गया है। नंबर नेक्स्ट माना कि लोकल बॉडीज के पास फाइनेंस की भी कमी है और इनकी सरकार ने माना जब ये सारे डिफेक्ट डिमेरिट्स होंगे तो अच्छे ढंग से काम लोकल बॉडीज कैसे करेंगे। अर्थात इन्होंने सोचा कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और लोकल बॉडीज स्थानीय स्वशासन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो सभी लोकल बॉडीज अच्छे से काम करेंगे, हमारे कंट्री का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। इसी थिंकिंग के साथ राजीव जी अपने कैबिनेट का सिटिंग कॉल किए, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए और अपने कैबिनेट से उन्होंने डिस्कस किया कैबिनेट मिनिस्टर से और डिस्कस करके एक बिल फ्रेमिंग करवाए और बिल इनका लोकसभा से पास भी हो गया। बिल इनका जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में राजीव गांधी सरकार की वही हालात थे जो आज नरेंद्र मोदी सरकार के। आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट, लोकसभा में जबरदस्त मेजॉरिटी है बट राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि राजीव सरकार के भी वही हालात थे जो आज मोदी सरकार के। राजीव सरकार इस तरह के असफल प्रयास कई बार किए, हर बार लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा से मेजॉरिटी नहीं, कई बार प्रयास किए। एक समय आया राजीव जी दुनिया से भी असफल हुए, डेथ हो गया आप सभी जानते होंगे और इस प्रकार से इस लॉ को मेकिंग करने में फेल रहे। आप लोग जरा समझ गए होंगे क्यों फेल रहे, इस फेल होने का कारण बिल्कुल क्लियर है। राजीव जी हमारे देश इतने बड़े इंडिया कंट्री के पीएम तो बना दिए गए बट सच्चाई देखा जाए तो पीएम के लायक नहीं थे, पीएम के लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि राजीव जी सिर्फ प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था, तो एक प्लेन को चलाना और इंडिया जैसे कंट्री को चलाना कोई दोनों में कंपेयर ही नहीं। राजीव जी ने कभी मुख्यमंत्री रहे न कभी केंद्र में मंत्री या लंबे समय तक पॉलिटिक्स करने का एक्सपीरियंस, कोई मंत्री पद शासन रूल ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं। इस कारण से भारत जैसे देश का शासन संभालना उनके लिए टफ काम, फेल होने का असफल होने का यही कारण। आज जरा देखिए सेम हालात हैं तो आज का प्रधानमंत्री क्यों सफल रहा, लगातार कई कानून बना लिया, अभी रिजर्वेशन से संबंधित बिल आसानी से पास कर लिए, इसके पहले भी जीएसटी का लगातार बहुत बड़ी मेजॉरिटी वाले लॉ मेकिंग इन्होंने किया है जो हाउसेज में बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए। क्यों आज का पीएम सफल है, क्योंकि आज के पीएम को पॉलिटिक्स आता है, ये पायलट नहीं, ये कोई ड्राइवर नहीं है, ये वास्तव में देश को चलाना अच्छी तरह जानता है, प्रदेश को लंबे समय तक चलाया, चलाने का अनुभव है, तो समाज को कैसे डील करना है, देश को कैसे किस तरह से यानी कंट्री से रिश्ते मेंटेन करने हैं और किस तरह की फॉरेन पॉलिसी, कैसे हम दुश्मन पर भारी पड़े, कैसे देश की व्यवस्था संभालें, इनको अनुभव है। तो आज इनको सफल होने का कारण क्या आप समझ गए होंगे और उनको असफल होने का कारण क्या आप समझ गए होंगे। तो इस कारण से राजीव जी असफल रहे। राजीव जी का जब डेथ हो गया और उसके बाद नए प्रधानमंत्री आए और नए प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिंह राव। एक चीज मैं कमेंट देख लूं, ये पीतम ने लिखा है 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993, पीतम आपने गलत लिखा है, यहां 73 अमेंडमेंट तो हुआ बट 92 में 93 में नहीं, और यही मीनाक्षी ने भी लिखा है 93 गलत लिखे हैं, मैं अभी आगे चलूंगा ये सारी गलतियां आप लोगों को सुधारूंगा, तो गलत नॉलेज है जो लिखे हैं बट अच्छा है कि लिख दिए सुधर गया, चिंता मत कीजिए। आइए देखा जाए कुछ लोगों का और देख लूं। जयप्रकाश जी का कि सर आज फोनी साइक्लोन ओडिशा के शोर से टकराने वाला है,
तो फिर जयप्रकाश जी क्या मतलब है ये सब पॉलिटी के क्लास में कहने का? क्लास एक एक जरूरी कमेंट लिखिए, पढ़ करके क्लास रुकेगा, डिस्टर्ब होगा, ये ऐसा कुछ नहीं। अब ये सब सामान्य खबर है, होगा। और ज्योग्राफी में ये करते तो थोड़ा कुछ समझ भी वो साइक्लोन से संबंधित ज्योग्राफी के सर बता दे। तो प्लीज ऐसे कमेंट ना दें कि क्लास रुके। इनके राजू का भी मैं देख लूं। राजू लिख रहे हैं कि सर डाउट, हरियाणा में हुड्डा सीएम था। सबसे पहले मैं कहूंगा राजू जी, ये शब्द आपके बहुत ही गंदे हैं, बहुत भद्दे हैं। आप भविष्य में ऑफिसर होने वाले हैं तो आपके शब्द, आपके वर्डिंग, आपके लैंग्वेज मीनिंग रखते हैं, ये कभी ऐसा मत कीजिएगा। सर आपने लिखा है कि हरियाणा में हुड्डा सीएम था, सीएम था नहीं, सीएम थे। किसी भी पार्टी को आपसे तो श्रेष्ठ है, उम्र में आपसे बड़े हैं, तो लैंग्वेज अच्छा नहीं है। आप कमीशन के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसे यूज करेंगे तो फिर आपके व्यक्तित्व नेगेटिव होगा और आपकी कमियां मानी जाएगी, रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। आगे देखिए, हुड सीएम था और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से दो मेंबर भाग गए थे और हुड्डा गवर्नमेंट में मिल गए, फिर गवर्नमेंट चली। तो क्या करना है इसे भाई? तो ये डिफेक्शन से रिलेटेड सभी बातें मैं बता चुका हूं, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा हूं। किस गवर्नमेंट में कौन जाता है, क्या करता है, आपको क्लियर बता चुका हूं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन है अगर डिफेक्शन से रिलेटेड तो उसको बताइए कि क्या नहीं समझ पाए, कोई टेंशन नहीं है, हो गया है डिटेल, कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद मैं महन जी का भी देख लूं, क्या किसी मेंबर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर भी मेंबरशिप रहती है या नहीं? ध्यान दीजिए महन जी, इसके लिए पार्टी सुप्रीमो को पावर है। तो कोई भी पार्टी का मेंबर है और इस तरह से पार्टी गतिविधियां, जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, एंटी पार्टी, तो ऐसे कंडीशन में पार्टी का हेड एक्शन ले सकता है, उनकी मेंबरशिप समाप्त कर सकता है, पार्टी से निकाल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, कुछ दिन का पनिशमेंट दे सकता है, जैसा उचित समझेगा। कारण बताओ, नोटिस देकर जानना चाहेगा। यह पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कैसा है, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझ गए होंगे, बट पार्टी हेड को पावर है, एक्शन ले सकता है। आइए देखा जाए, स्पीकर द्वारा देते हैं महन तिवारी। आगे देख लें अरुण, यस सर, जान जान, जन जन मोदी, घर घर मोदी, अब तो मोदी ही मोदी। अरुण जी थैंक यू, ये आपका विचार बहुत जबरदस्त विचार रहा। आगे हम लोग चलते हैं यहां पर। तो इस प्रकार से पीवी नरसिंह राव की सरकार जब आई तो पीवी नरसिंह राव जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए वो राजीव जैसे नहीं थे, रियली बहुत ही एक तरह से कहा जाएगा कि अनुभवी प्रधानमंत्री थे। यानी कांग्रेस के लीडर पीवी नरसिंह राव राजीव जैसे नहीं थे, सीएम भी रह चुके थे, सेंटर में कई बार मिनिस्टर और लगातार राजनीतिक पदों पर रहने का अनुभव था, ओल्ड अनुभवी थे। तो राजीव जैसी गलतियां उन्होंने नहीं किया, आज के पीएम जैसे वो भी चलाके किए थे। देखे होंगे राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं था, जीएसटी कानून पास करना था, आज के पीएम ने क्या किया, घबरा ही नहीं, और एक एक राज्यसभा के मेंबर से पर्सनली फोन से बात मिलना इस तरह से। और जानते होंगे बात अगर अच्छा करना आता हो तो पराया भी अपना हो जाता है, बात अच्छा करना नहीं आता हो, बोली गोली जैसे बोला जाए तो अपना भी पराया हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी जी, बात करना इनको अच्छा है, आता है, अच्छा आर्ट है इनके पास टॉकिंग का, बात करने का, और इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण राज्यसभा के अनेक पार्टी के मेंबर को अपने फेवर में कर लिए, और इस कारण से इनका बिल इजीली राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बहुत आसानी से पास हो गया। अब समझ गए होंगे, तो पीवी नरसिंह राव की सरकार आई, पीवी नरसिंह राव साहब भी बहुत ही योग्य राजनीतिज्ञ थे, बड़े योग्य पॉलिटिशियन थे, अनुभवी थे, और राजीव जैसे नहीं थे। फिर क्या हुआ, आज के पीएम जैसे राज्यसभा में बहुमत नहीं था, एक एक मेंबर से अच्छे से बात किए, अपने फेवर में मेजॉरिटी तैयार कर लिए, और दोनों हाउसेस से बिल आसानी से पास हो गया। पीवी नरसिंह राव जी जब दोनों हाउस से बिल आसानी से पास कराने में सफल रहे, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया। दरअसल अमेंडमेंट बिल पर आप जानते होंगे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के लिए बाउंडेड है, उनके पास कोई वीटो पावर नहीं है अमेंडमेंट बिल पर, इसलिए सिग्नेचर कर दिए, एक्ट बन गया। और एक्ट कौन सा था, ये एक्ट तैयार हो गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट बन गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये एक्ट तैयार हो गया इन 1992। बाय दिस एक्ट
इन्होंने एक न्यू शेड्यूल का क्रिएशन कर दिया। कौन सा शेड्यूल? ये 11 शेड्यूल। और 11 शेड्यूल में इन्होंने मैटर भी डिसाइड कर दिया। लेकिन सबसे पहले बता दूं व्यवस्था इसमें क्या किया। इसमें इन्होंने किया पंचायत की शक्तियां तथा प्राधिकार, तो पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ पंचायत, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियां व्यवस्था कर दिया। और इसमें और क्या किया, मैटर भी डिसाइड कर दिया, 29 मैटर्स। यानी नरसिंह राव जी की सरकार ने इसमें विषय भी डिसाइड कर दिया, 29 विषय। यूपीपीसीएस एक बार यही क्वेश्चन पूछा है कि 11 शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अब आपके पास जवाब है, आपका सही ऑप्शन होगा 29 मैटर्स। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। इसी के बाद हम लोग चलते हैं, ये व्यवस्था हो गया। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नरसिंह राव की सरकार ने, पीवी नरसिंह राव की सरकार ने दे दिया किसको, रूरल लोकल बॉडीज को। तो ग्रामीण पंचायत को इन्होंने दे दिया संवैधानिक दर्जा इसी संशोधन के द्वारा, इस अनुसूची में। अब आइए देखा जाए, पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट ने विचार किया कि रूरल एरियाज के लिए तो मैंने व्यवस्था दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया रूरल लोकल बॉडीज के लिए, यानी ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए संवैधानिक दर्जा उन्होंने दे दिया। उन्होंने विचार किया कि हमारे कंट्री में अर्बन जो एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव साहब ने सोचा कि भारत के बहुत बड़े बड़े सिटी ऐसे हैं जहां के पार्कों में अच्छे ढंग से सैनिटेशन नहीं, गार्डनिंग नहीं, बैठने की स्थिति नहीं। उन्होंने और क्या सोचा, उन्होंने और सोचा कई शहरों में बरसात में जल भराव हो जाते हैं, पानी के अच्छे से निकास नहीं। और कमियां क्या सोचा, और कमियां उन्होंने सोचा कि कई शहरों में सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था नहीं, लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं, बिजली प्रबंधन। तो उन्होंने सोचा कि अगर अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र के लोकल बॉडीज को, शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय को भी संवैधानिक दर्जा हमने दे दिया तो उन्हें भी सुविधाएं काफी होंगे और अच्छे से शहरों में डेवलपमेंट, विकास, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी प्रकार से अब देखा जाए कि इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया, और इन्होंने एक और अमेंडमेंट करके एक न्यू शेड्यूल क्रिएशन कर दिया, और ये कर दिया 12 शेड्यूल। तो इन्होंने व्यवस्था कर दिया ये 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची इन्होंने किया था किस अमेंडमेंट से, ये काम इन्होंने किया 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 74वें संशोधन 1992 के द्वारा इन्होंने एक और अनुसूची की व्यवस्था किया, और ये 12वीं अनुसूची। और इस अनुसूची से इन्होंने सभी स्थानीय निकाय जो अर्बन शहरी थे उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया, जिस कारण से इनको सुविधा हो गया क्या काम करना है, मैटर डिसाइड कितने मैटर। तो 12 शेड्यूल में इन्होंने व्यवस्था दे दिया 18 मैटर्स, 12वीं अनुसूची में इन्होंने व्यवस्था दे दिया 18 विषय। और क्या, नगर पालिकाओं की शक्तियां, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कुछ। और इस प्रकार से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को अब ये जिम्मेदारी बन गई, तो दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे गया। तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र के, इनको फाइनेंशियल भी सुविधाएं राज्य सरकार से मिलने लगी। विषय भी डिसाइड हो गया किस पर इनको काम करना है, कितने विषय, सभी कुछ संवैधानिक दर्जा देने से जब यह हुआ तो अब जनता को उम्मीद बना अच्छे से काम करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, इतने सारे धन राज्य सरकार से मिलते हैं, फिर भी आज हमारे समाज रूरल या अर्बन का डेवलपमेंट, विकास क्यों नहीं? इसका कारण एक ही है, ये सभी लोकल बॉडीज में देखा जाए तो बहुत ज्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार, जिसके कारण से नहीं। आपको मैं बता दूं, दिल्ली एमसीडी, जहां मैं दिल्ली में क्लास ले रहा हूं, दिल्ली एमसीडी जो होती है, ये यहां की म्युनिसिपैलिटीज कहेंगे नगर निगम, यहां एमसीडी कहते हैं, तो इनके कई करोड़ों में बजट है। ये बजट न्यूज पेपर में पढ़कर लगता है कि सही ढंग से उपयोग हो तो दिल्ली के सामने मास्को, न्यूयॉर्क और पेरिस भी छोटे दिखेंगे, पेरिस भी बौने दिखेंगे डेवलपमेंट के मामले में, आधुनिक सुविधाओं के मामले में। बट बहुत तकलीफ होता है दिल्ली में, अगर बारिश हुआ मुखर्जी नगर में, जानते होंगे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली का मुखर्जी नगर एजुकेशन का हब है, लेकिन आधे एक घंटे भी बारिश हुआ तो मुखर्जी नगर के सड़क पर पानी लग जाते हैं, और पानी कितने, लगभग 1.5-2 फीट। उससे प्रूफ होता है
कि पानी की निकास नालियों का प्रबंधन अच्छा नहीं। ये क्या है? चोरी ही तो है। आप वर्ल्ड के कई फॉरेन कंट्री अन्य विदेशों में देखेंगे, घंटों बारिश हुआ और बस आप कार से जा रहे हैं, रोड पर जरा भी पानी नहीं। घंटों बारिश हुआ और आधे घंटे के बाद देखें तो पानी दिख नहीं रहा है। क्यों? इतनी फाइन पानी की निकास है कि सारे पानी अपने नाली सीवर जैसे भी हैं निकल गए, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारे यहां इतनी चोरी, इतनी करप्शन है कि जो भी डेवलपमेंट के लिए पैसे होते हैं इधर उधर उनके लूट होते हैं, और सही मायने में आपकी सुविधाओं में आपके डेवलपमेंट के लिए उनके खर्च नहीं। तो इस प्रकार से पैसे की कमी नहीं और करप्शन ही है, तो इस तरह से रूरल में अर्बन में भी दिखते हैं। ये गांव में भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ अर्बन नगर पालिका नगर निगम। इस कारण से हम लोग इतना पीछे हैं, हम लोगों को इतनी सुविधाएं, हम लोगों को इस तरह से व्यवस्था नहीं, डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया, यही कारण है करप्शन। आइए देखा जाए नेक्स्ट हम लोग बातें करें, कुछ लोगों के कमेंट भी मैं देख लूं। बट मेनी स्टेट डोंट गिव इन टू ऑल 29 सब्जेक्ट इतना। हाँ, ये ध्यान दीजिए, किसी स्टेट में महेंद्र जी कुछ गड़बड़ी, कुछ कमियां हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। अब मान लीजिए कहीं चोरी ही हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल चोरी थोड़ी है, वो तो वहां की बॉडी कर रही है, काम करने में चोरी हो तो वहां की गड़बड़ी। मैं संविधान की व्यवस्था बता रहा हूं, अब समझ गए महेंद्र जी। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग एक क्वेश्चन और बता दें, कमीशन आपसे क्वेश्चन कर चुका है और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस यूपी में पूछा है और ये बीपीएससी बिहार पीसीएस भी पूछ चुका है। कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल बॉडी स्थानीय स्वशासन को जो दिया गया, ये इंप्लीमेंट लागू कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये व्यवस्था इंप्लीमेंट लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। तो अगर पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया उसको सरकार ने इंप्लीमेंट लागू कब किया, तो जवाब आपका 92 नहीं होगा, आपका जवाब 93। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा गया कमीशन के द्वारा आपको क्वेश्चन कि संवैधानिक दर्जा जो अमेंडमेंट करके दिया गया ये व्यवस्था कब होगा, तो अमेंडमेंट करने की व्यवस्था 92, लेकिन इंप्लीमेंट लागू कब हुआ ये जवाब 93। बहुत सावधानी से एसएससी का मैं क्वेश्चन सुना दूं। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि रूरल एरियाज की लोकल बॉडी से संबंधित कौन सा शेड्यूल है, आप समझ ही गए 11 शेड्यूल। शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय की व्यवस्था किस शेड्यूल में है, यह सीपीओ का क्वेश्चन है, आपका जवाब 12 शेड्यूल। पीसीएस का भी मैंने बता दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चन अब आप आसानी से कर लेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे टोटल शेड्यूल की संख्या कितनी है, आपका जवाब 12 शेड्यूल। सारे शेड्यूल हो गए, अब शेड्यूल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आइए देखा जाए। और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना, आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो व्यवस्था है, अब हम आप लोगों से यह डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रीएम्बल प्रस्तावना क्या चीज है और उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर क्या मैसेज देना चाहते थे, संविधान के लिए एक ऐसी व्यवस्था देता है क्या चीज इस पर, और किस किस तरह से क्वेश्चन प्रीएम्बल से अब तक हमारे कमीशन पूछे हैं, कैसे आगे पूछ सकते हैं, ये सभी बातें अब हम लोग इस पर बातें करेंगे। प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जरा विचार भी कुछ लोगों का देख लें, जैसे विद्या लक्ष्मी जी का है, हाउ दिस आर आर्टिकल पार्ट एंड शेड्यूल रिलेटेड इच अदर।
विद्या जी, इसके बारे में बहुत पहले मैं बता चुका हूं, कई बार बताया हूं, आज भी आपको बता दे रहा हूं। जैसे देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी यूनिट्स इकाई क्या है? सेल। और आप जानती होंगी, लाखों सेल को मिलकर टिश्यू बनता है, यानी सेल अलग नहीं है और टिश्यू अलग नहीं है, ह्यूमन बॉडी में ही है। तो लाखों सेल को मिलकर टिश्यू बनता है, अनेक टिश्यू को मिलकर हमारी बॉडी के सिस्टम ऑर्गन बनते हैं। बट ऑर्गन सिस्टम टिश्यू एंड सेल बॉडी से अलग नहीं है, सारे ह्यूमन शरीर में ही है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, आर्टिकल हो, शेड्यूल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉल छोटी इकाई ये सेल, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे छोटी यूनिट्स इकाई, सबसे छोटी व्यवस्था क्या? आर्टिकल। तो एक छोटी सी व्यवस्था को सेपरेटली अगर देखना है, समझना है, तो आर्टिकल, यानी आर्टिकल की बात किया जाए। तो मान लीजिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करें तो कई आर्टिकल नहीं देखना, एक आर्टिकल 16 ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता हमारे समाज में, उनसे संबंधित संविधान में क्या व्यवस्था है, तो एक आर्टिकल आप स्टडी करेंगे, आर्टिकल 17। तो संविधान की एक एक छोटी छोटी व्यवस्थाएं सेपरेट आर्टिकल में दिए गए, लेकिन एक शेड्यूल जो होता है उसमें बड़ी व्यवस्था होती है, छोटी व्यवस्था नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी व्यवस्था आपको मिलता है किसमें? पार्ट्स में। तो इस प्रकार से देखा जाए, सभी ये व्यवस्थाएं जो मैंने कहा, जो आपने लिखा है, ये संविधान की ही व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोई छोटी, जो संविधान की बात मैंने ह्यूमन बॉडी की बात किया, उसी तरह से कोई छोटी व्यवस्था दर्शाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ा, लेकिन सारी व्यवस्थाएं संविधान की है। तो एक दूसरे से सेपरेट या अलग रूप में अच्छे से स्टडी किया जा सके। असेंबली के मेंबर इस तरह की व्यवस्था किए हैं बांट करके, ताकि हम आप अच्छे से समझ सकें। अब समझ गए होंगे, यह है विद्या लक्ष्मी जी जो आपने कहा, और इसी के बाद हम लोग देखते हैं आगे। जयप्रकाश जी ने मैसेज दिया है कि 22 जनवरी को यह एक्सेप्टेड हुआ, वेरी गुड। और प्रीतम जी, ये सभी लोग, आप सभी लोग रियली बड़े समझदार हैं भाई। तो आइए हम लोग चलते हैं, हम लोग बातें करते हैं प्रीएम्बल। ध्यान दीजिए, प्रीएम्बल आप लोगों को मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह जिम्मेदारी संविधान सभा ने दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने दिया, और इस जिम्मेदारी को नेहरू जी ने निभाया, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की जिम्मेदारी असेंबली नेहरू जी को दिया और नेहरू जी ने इसको तैयार किया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि, अच्छा इस पर अभी चर्चा नहीं, सॉरी, तो नहीं नहीं फर्स्ट क्लास में बताए थे, यस याद आ गया। तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उन्होंने तैयार किया था वो 13 दिसंबर 1946 को असेंबली के मेंबर के सामने अनाउंस की। तो जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हें दिया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को तैयार करके और पढ़ सुनाए, अनाउंस किए। फिर क्या हुआ, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित, उसी पर बेस्ड आपके यहां संविधान में व्यवस्था दिया गया है, क्या? प्रीएम्बल प्रस्तावना। तो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किए, उसी पर आधारित व्यवस्था, उसी पर बेस्ट प्रोविजन आपके संविधान में दिया गया है, प्रीएम्बल। उसी प्रीएम्बल की कहानी मैं आपको बताने शुरू कर रहे हैं, और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित यह व्यवस्था है। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बहुत सारी, प्रीएम्बल के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग आगे करेंगे, बट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस गए हैं इनसे रिलेटेड, उनको बता देना आपके लिए जरूरी है, ताकि इनकी परिस्थिति, इसके हालात को आप अच्छे से समझ सके। देखिए, इसको लेकर के फर्स्ट टाइम केस गया था प्रीएम्बल में, एक केस था बेरू वाणी वर्सेस इंडिया यूनियन। तो बेरू वाणी बनाम भारत संघ केस सुप्रीम कोर्ट में गया, बेरू वाणी बनाम भारत संघ केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया था। इस केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया, प्रीएम्बल से संबंधित डिसीजन दिया, प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यानी उस समय हमारे समाज के लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहा, बहुत आश्चर्य हुआ, प्रीएम्बल जैसी व्यवस्था को, और कोई छोटा साधारण कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट यह डिसीजन दिया हो, क्या डिसीजन? प्रीएम्बल
प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग नहीं, इसलिए उस समय आपके समाज के लिए बड़ा चर्चा का विषय रहा, बहुत चर्चा का विषय। कई वर्ष बीत गए, उसी सुप्रीम कोर्ट में फिर एक केस गया और यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया था इस प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट में केस गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया, इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया था प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। यानी वही सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन करता है एक ला एक कानून समझा जाता है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। और माना जाता है कि नाम है सुप्रीम और रियली सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे सुप्रीम बनाया गया। तो इसने अब मान लिया केशवानंद भारती के केस में इसने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। तो आपके संवैधानिक इस व्यवस्था को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब आया तो आपके समाज में बड़ा चर्चा का विषय बना, बहुत महत्व। कमीशन कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर करता है, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, कमीशन क्वेश्चन करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का इंपॉर्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का बढ़ता हुआ महत्व माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के किस केस में दिए गए डिसीजन से, तो सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में दिए गए डिसीजन से प्रस्तावना का बढ़ता हुआ महत्व माना जाता है। आपका द बेस्ट ऑप्शन होगा केस इस प्रकार से देगा कमीशन, किस देगा कमीशन, वेरुबाणी वर्सेज इंडिया यूनियन। नेक्स्ट ऑप्शन केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट। नेक्स्ट ऑप्शन गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट। और नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से होगा शंकरी प्रसाद वर्सेज इंडिया यूनियन। तो आप समझ ही गए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन यही होगा जो अभी आपने पढ़ा केशवानंद भारती का केस। इस तरह से यह क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ में एक बार पूछा भी है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का आप लोग एग्जाम देते हैं। तो इस प्रकार से एक कमीशन क्वेश्चन किया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रियम्बल से संबंधित कुछ और बातें। देखिए प्रस्तावना प्रियम्बल की बात किया जाए तो इस प्रकार से ये बातें की गई। प्रियम्बल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं इस तरह से, प्रियम्बल को माना गया है ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को माना गया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। मैं दो मिनट रुक करके आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, यहां पर कमीशन आपको उलझाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके पर्सनली व्यक्तिगत कुछ विचार आए हैं जो कमीशन आपको उलझाता है, और विचार मैं आपको सुना दूं, आपको बता दूं। आर्टिकल 32 में व्यवस्था है, जब हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी लॉ से वायोलेशन होते हैं, किसी भी कानून से उल्लंघन होते हैं, तो हम लोग अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर हम आप भारत के नागरिक रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। तो जो भी रिट 5 रिट ऑर्डर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज है अंडर आर्टिकल 32, तो उस 5 में से कोई एक सिंगल कोई एक रिट आप एप्लीकेशन देकर मांग करते हैं, और उस रिट को ऑर्डर करके सुप्रीम कोर्ट आपके हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन संरक्षण देता है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने स्पीच भाषण देते हुए बोला था कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग है ह्यूमैनिटी, मूल अधिकारों का मीनिंग है मानवता, यानी इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स नहीं तो ह्यूमैनिटी नहीं, और उस ह्यूमैनिटी उस मानवता का प्रोटेक्शन होता है, संरक्षण होता है बाई आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के द्वारा भारत के लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अंबेडकर जी ने आगे क्या बोला भाषण देते हुए, अंबेडकर जी ने आगे बोला इसलिए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाना चाहिए प्रियम्बल को नहीं,
लेकिन यह व्यक्तिगत विचार था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, इनके फेवर में, इनके फेवर में, अंबेडकर जी के फेवर में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक भी मेंबर सपोर्टर नहीं था। इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया, ऑप्शन दिया गया इस प्रकार से, मैं क्वेश्चन दिखा दूं, यह होगा प्रियम्बल ऑप्शन, प्रस्तावना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया यह फंडामेंटल ड्यूटी, और नेक्स्ट ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नेक्स्ट ऑप्शन आर्टिकल 32। तो कमीशन पूछा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा इनमें से कौन, तो आपका जवाब क्या होगा, आर्टिकल 32। अगर क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछा है तो, लेकिन अंबेडकर जी का नाम नहीं दिया है, जनरली क्वेश्चन किया गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, प्रियम्बल। ये चलाकी रखना है, यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा और अंबेडकर जी का नाम दिया है उनके अकॉर्डिंग, तो ऐसी गलती नहीं करना है। अक्सर जल्दीबाजी में आप लोग प्रियम्बल सेलेक्ट करते हैं, बट बिल्कुल नहीं, क्या जवाब होगा, 32। जनरली पूछा है तो आपका जवाब प्रियम्बल। आप सभी समझ गए होंगे। अब हम लोग बातें करेंगे, प्रियम्बल को कहा जाता है की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहा जाता है यह भारतीय संविधान की कुंजी है। जरा आप लोग समझिए, कुंजी प्रियम्बल को ही क्यों कहा गया, आप ये बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी प्रोविजन है, जैसे सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, बहुत सारी व्यवस्थाएं, उनको क्यों नहीं कहा गया है कि इसी को क्यों, जानते होंगे आप लोग शायद, ध्यान दीजिएगा। दरअसल इस थीम को समझाना है तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और इस एग्जाम्पल से आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम ऑफलाइन क्लास आप लोगों से ले रहे हैं, आप लोग सभी हमारे लेक्चर हॉल में बैठे हैं और फेस टू फेस हम लोग बातें कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रहा है। तो हमारी क्लास के ड्यूरेशन में, क्लास के ही दौरान, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ब्रीफकेस लेकर हम लोगों के सामने आ गया और हमारे पोडियम के बगल में खड़ा हो गया, और आप स्टूडेंट, मैं टीचर हूं, हम सभी लोगों से सामूहिक क्वेश्चन किया कि आप सभी लोग बताइए इस ब्रीफकेस में क्या वस्तुएं हैं, और ब्रीफकेस को बंद करके वही लाया है, तो निश्चित रूप से आप स्टूडेंट, मैं टीचर, हम सभी लोग एक साथ जवाब देंगे सामूहिक, क्लियर ही नहीं है ब्रीफकेस में क्या है, क्योंकि बंद किए हो तुम, और यह जवाब हम लोगों का वाजिब है। समझिएगा, कुछ देर तक वो खड़ा रहा, दो मिनट बीता, दो तीन मिनट, उसने की को निकाला, आप स्टूडेंट किसी के पास फेंक दिया, उस की से आप ब्रीफकेस को हाथों में लिए और उस की के सहारे खोल करके और पोडियम पर रख के बता दिए, देख लो क्या क्या वस्तुएं हैं, सभी कुछ क्लियर है, सामने दिख रहा है। तो आप बताइए ब्रीफकेस की वस्तुओं को क्लियर किसने किया, की ने, कुंजी ने किया। उसी प्रकार से हमारे संविधान में जिस तरह से ब्रीफकेस की वस्तुएं क्लियर नहीं थी, उसी तरह से हमारे संविधान में संविधान सभा के सदस्य, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर ने कुछ ऐसे प्रोविजन, कुछ ऐसे थीम मेंशन किए हैं, उल्लेख किए हैं, जिनका बहुत क्लियर डिफिनेशन, बहुत स्पष्ट परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है, अर्थात कॉम्प्लिकेसी है, जटिलता है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं है। उसको लेकर हम आप इंडियन सिटीजन डायरेक्ट चले जाते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उस थीम का मीनिंग बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस थीम का मीनिंग जो क्लियर करता है, बिल्कुल अच्छे से परिभाषित कर दिया, मीनिंग क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट हमारा जो ये काम करता है किस बेसिस पर करता है, प्रियम्बल के बेसिस पर। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के आधार पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस कॉम्प्लिकेसी, जटिलता को बहुत अच्छे से, सरल तरीके से, सिंपल कर देता, सिंप्लीफाई कर देता, अच्छे से डिफाइन कर देता, उसका मीनिंग क्लियर हो गया। तो जिस तरह से ब्रीफकेस की वस्तुएं क्लियर नहीं थी, उसी तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वस्तुएं, सॉरी, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थीम, हमारे जो प्रोविजन है, वो कॉम्प्लिकेसी है, उसको क्लियर करने का काम, वेल डिफाइन करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, किस बेसिस पर, इसके बेसिस पर, प्रियम्बल के बेसिस पर। इसलिए कहा गया है कि ये की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भारतीय संविधान का
कुंजी है। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा, आप सभी समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं भी समझने में दिक्कत लगता है तो इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, समझने में दिक्कत हो अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे ही। तो आप लोगों का थोड़ा सा कमेंट देख लें, लिखे हैं ये योगी विजय लिखे हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, कोई भी डाउट नहीं रहता है, सो समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे। थैंक यू योगी जी। देखिए योगी जी नहीं, आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद भी दिक्कत रहता है तो नेक्स्ट क्लास में पक्का पूछ लें, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्यों? आप जितने क्लियर होंगे बस उतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन करने के चांस होंगे, और जितने डाउटलेस होंगे यानी डाउट नहीं होगा उतने ही ज्यादा स्कोर करेंगे। तो जीएस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर, एसएससी हो, सीपीओ हो, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, पीटी मेंस, कोई भी, जितने डाउटलेस होंगे, जितने डाउट कंफ्यूजन आपका नहीं होगा या कम से कम उतना ही ज्यादा स्कोर करेंगे, और यही बड़ा ऑफिसर बनने का फंडा है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए क्लियर, बार बार पढ़ के क्वेश्चन पूछ के अगर इतना करते हैं तो आपको बड़ा ऑफिसर बनने से, बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने से दुनिया की ताकत नहीं रुकेगी, कोई परिस्थिति भी नहीं रुकता है। आप भी कहेंगे हमारी गरीबी, ये परिस्थिति नथिंग, पढ़ने वाले के लिए परिस्थिति रुकावट नहीं बना है, ये समझ जाइए। और बड़ा ऑफिसर बनने से कोई रोकेगा नहीं, और फिर हम टाइम्स के लोग हमेशा तैयार हैं आपको पीटी मेंस, मेंस में जो राइटिंग में दिक्कत होता है, राइटिंग कैपेबिलिटीज सुधारने के लिए हम टीचर तैयार हैं। आप पहले सिलेक्शन कहीं भी लीजिए, बेरोजगारी मिटाइए, पीसीएस आईएएस के लिए हर रास्ते खोलने, गाइड करने, आपको राइटिंग सिखाने हम लोग तैयार है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैम जी का भी थोड़ा सा देख लें, कुछ देख रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू टीचिंग स्टाइल, नो एनी डाउट, थैंक यू मैम जी। बस हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग क्लियर हो, तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। आप सभी को धन्यवाद, बट जो डाउट हो पूछते चलेंगे, उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे प्रियम्बल में, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए प्रियम्बल से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रियम्बल से संबंधित और क्या माना गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यार्ड स्टिक है, प्रस्तावना भारत के संविधान में एक उचित स्थान है। भारत के संविधान में प्रियम्बल एक ऐसा यार्ड स्टिक है, एक ऐसा उचित स्थान है जो सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल को स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना का अध्ययन करके कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे आसानी से समझा जा सकता है। फिर से समझिएगा, यानी एक्सपर्ट यह मानते हैं कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा यार्ड स्टिक है, एक ऐसा उचित स्थान है जो सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल का स्टडी करके, सिर्फ प्रस्तावना का अध्ययन करके कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे भारतीय संविधान को इजीली आसानी से समझा जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट का यह मानना है कि पूरे भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक व्यवस्था है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। जो प्रियम्बल को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए, बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया जाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन पब्लिक के लिए एम क्या है, उद्देश्य क्या है, बहुत आसानी से इजीली इसको समझा जा सकता है। तो माना गया है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा यार्डस्टिक, एक ऐसा उचित स्थान है जो सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल को स्टडी करके, अध्ययन करके पूरे संविधान का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का मेजरमेंट, मूल्यांकन इजीली किया जा सकता है। यह हम एक्सपर्ट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट जो भी हैं उनकी अपनी मान्यता है, और यह बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रियम्बल माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, प्रियम्बल को माना गया है ये भारतीय संविधान का परिचय है। प्रियम्बल को यह भी कहा गया है इस समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना को कहा जाता है ये भारतीय संविधान का सार है। तो इस प्रकार से प्रियम्बल को माना गया है कि प्रियम्बल क्या है, एक यार्डस्टिक, प्रियम्बल को कहा गया है ये समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस प्रकार से ये समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही नहीं इसको यह भी कहा गया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, तो ये भारतीय संविधान का परिचय है। और इस प्रकार से प्रियम्बल पर अनेक विचार आए। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, और एक बात आप लोगों को यह बता दूं,
कि प्रियम्बल से संबंधित कुछ और बातें। आपके कंट्री में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट किया और ये अमेंडमेंट इंदिरा जी की सरकार ने किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये अमेंडमेंट इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने किया था इन 1976। आइए देखा जाए, इंदिरा जी ने बाय दिस अमेंडमेंट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजिंग किया। बाय दिस अमेंडमेंट 42वें संशोधन के द्वारा हमारे भारत देश में सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बाय दिस अमेंडमेंट कुछ बातें एडिट की। क्या एडिट की? समाजवादी, यानी सोशियलिस्ट। इस संशोधन के द्वारा इंदिरा जी की सरकार ने कुछ और बातें एडिट की, ये पंथ निरपेक्ष यानी हिंदी में आप कहेंगे सेकुलर। इंदिरा जी की सरकार ने कुछ और भी वर्ड एडिट की, ये अखंडता यानी इंग्लिश में आप बोलेंगे इंटेग्रिटी। तो स्वर्गीय इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में तीन वर्ड इन्होंने एडिट किया, इन्होंने जोड़ा। 1976 की बात है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि तीन वर्ड जो इन्होंने एडिट किया, यहां यूपीपीसीएस क्वेश्चन कैसे पूछा है, यूपीपीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन दिया था ए बी सी तीनों वर्ड, और डी ऑप्शन में दिया था सोशल इक्वालिटी। कमीशन पूछा था कि 42वें संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड एडिट नहीं हुआ। आप तीनों वर्ड अगर जानते हैं तो बस क्लियर हो गया, क्या वही नहीं जोड़ा गया। तीनों को छांट दीजिए, कौन? सोशल इक्वालिटी नहीं जोड़ा गया। ऐसे भी पूछा गया है, एसएससी कमीशन ये पूछा है कि प्रियम्बल में आज तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं। ऑप्शन में दिया था 1, 2, 3, 4। आप समझ ही गए, एक ही हुआ है 42nd। न इनके पहले कोई सरकार अमेंडमेंट किया, न इनके बाद, आज तक प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में न्यू वर्ड एडेड हुए, तीन वर्ड एडेड हुए, कुछ सकता है? आपका जवाब 42nd। किसके शासनकाल में? आप समझ गए। एक जरूरी बात बता दूं, आप ये बताइए, आप एसएसबी दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कमीशन आपसे यह पूछा क्या थ्री वर्ड जो इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने प्रियम्बल में एडिट किया, क्या ये वर्ड ऑलरेडी नहीं थे, पहले से नहीं थे? क्या इंदिरा जी ने हमारे संविधान पर एहसान किया? क्या इंदिरा जी ने हम देशवासियों पर एहसान किया, हमारे देश पर एहसान किया? क्या कहेंगे आप लोग अगर कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है? तो आप एक कहिए कि बल्कि इंदिरा जी ने एहसान नहीं किया, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी? समझिए, 1975 में इंदिरा जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस लाई और बाय दिस इमरजेंसी उन्होंने बहुत अत्याचार हम इंडियन पब्लिक पर किया। लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान हस्ती को भी पिटवाकर जेल में बंद कराई थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना अत्याचार हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। इंदिरा जी समझ गई कि जो भी काम मैंने किया है, इलेक्शन आने पर जनता माफ नहीं करेगी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंने बहुत अत्याचार किया। तो इंदिरा जी ने यह सोची, कुछ भी हो, भारत की जनता भोली भाली है, कुछ ऐसा लुभावने काम कर दो जो लोभ में आकर और फिर भारत की जनता हमें प्रधानमंत्री बना देगी, कांग्रेस को जीता देगी। इसी थिंकिंग के साथ बाय 42nd अमेंडमेंट इंदिरा जी न सिर्फ प्रियम्बल, अनेक जगह बहुत चेंजिंग अमेंडमेंट करके की। आप याद कीजिए, ड्यूटीज भी इसी अमेंडमेंट से किया गया प्रियम्बल में इतना सारा, और इसी तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अनेक जगह व्यवस्था, यह सिर्फ आपको लुभाने के लिए। तो घबराहट था इंदिरा जी की फिर से इच्छा सरकार बनाने की, और जनता माफ नहीं करेगी, भोली भाली जनता शायद इस तरह से उनको लुभावने कुछ काम करेंगे तो बस खुश होंगे। लेकिन जनता को सच्चाई बताने वाला भारत माता का महान सपूत देश में मंच से अनेक मंचों से सच्चाई बताया, और वह महान सपूत थे जयप्रकाश नारायण जी। जनता को वह यादें आई और जनता भूली नहीं इमरजेंसी की बातें, बस जनता ने 1977 के इलेक्शन में इनको सबक सिखा दिया। सबक का मतलब समझ गए,
आज इंदिरा जी की पुत्र बधु जहां से प्रत्याशी होती हैं उत्तर प्रदेश राय बरेली, वहीं से इंदिरा जी 1977 के इलेक्शन में प्रत्याशी थी। उत्तर प्रदेश राय बरेली की पब्लिक ने इंदिरा जी को सिर्फ हराया नहीं, जमानत राशि जब्त कर दिया। तो इसलिए माना जाता है कि जनता में समझदारी रही और सबक सिखा दिया, उस अत्याचार की कहानी से उनको सबक मिला। तो वास्तव में देखा जाए ये वर्ड ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इनकी जरूरत नहीं, इनडायरेक्टली थे। आपको एहसास करा दूं कैसे, एविडेंस देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 में कहा गया है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस, ये सोशलिस्ट होने का पहचान है। 39 में कहा गया स्त्री या पुरुष दोनों को समान अवसर, स्त्री आगे कहा गया स्त्री पुरुष दोनों अगर इक्वल पोस्ट पर हैं इक्वल सैलरी, ये सारे समाजवादी के पहचान है, हमारे संविधान में ऑलरेडी दिए गए। अब रही बात पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष की, तो आर्टिकल 25-28 ये सभी बातें दी गई पहले से है। नेक्स्ट कहा जाए इंटेग्रिटी अखंडता, तो आर्टिकल फर्स्ट में यह व्यवस्था दिया गया। तो वास्तव में देखा जाए इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहां व्यवस्था, इंदिरा जी लाई क्यों, ये इनकी घबराहट थी। एक बात अब रही प्रीएम्बल में जो वर्ड दिए गए हैं इनके एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और वर्ड की बात मैं करूं तो कभी भी हम हो या कोई भी टीचर, ये 3 वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सभी वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी होता है। तो मैं मात्र 3 शब्दों का एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, सभी जरूरी वर्ड। दूसरी चीज, मार्केट में आपको धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में डिफरेंसेस अच्छे से नहीं मिलते, बल्कि बहुत कम लिखे भी नहीं होंगे, सिर्फ धर्म निरपेक्ष लिखते हैं, पंथ निरपेक्ष नहीं। और ध्यान दीजिए धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में डिफरेंसेज होते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों के लिए, बट मैं इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करूंगा, धर्म निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है। और रही बात यूपीएससी आईएएस में जो पूछा है शब्दों का सीक्वेंस, यह भी क्लियर करूंगा। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो यह फर्स्ट वर्ड होता है, यह है प्रभुत्व संपन्न, यानी इंग्लिश क्या होगा, सॉवरेनिटी। इंग्लिश में यहां लिख दे रहा हूं सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी यानी सोशियलिस्ट। तो एक क्रम से सभी वर्ड पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। तो कई वर्ड है, आज क्लास का टाइम हो गया इसलिए सभी वर्ड को यहां लिखते हुए और सभी का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, तो जल्दीबाजी में करना ठीक नहीं है, आराम से। और दूसरी चीज मैं बता दूं, इवनिंग क्लास यानी 3:30 से 5 मेरा ही क्लास है, तो 3:30 से 5 जो मेरा क्लास होगा ये सभी वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा, जिनको जो डाउट हो पूछते भी चलेंगे, जल्दीबाजी में करना ठीक नहीं है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी के साथ इवनिंग 3:30 से 5 में, और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सभी से। और इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मुलाकात करते हैं 3:30 बजे। ओके, गुड बाय।